काली आगी के तांडव ले रायपुर के गुढ़ियारी दहल गए रहीस, लाखों लोगन के जान खतरा में रहीस। देखो रिपोर्ट। कोई चीज नहीं है, बाहर नहीं निकाल पाए, कुछ कुछ लिखा है, बाकी पूरा सामान है, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, एक सिलेंडर, गैस, टीवी सीवी सब है। जो ट्रांसफार्मर रखे हैं सीएसपीडीसीएल के गोदाम में, वो पटाखे की तरह फूट रहे हैं। हमारी गाड़ी दो गाड़ी आई थी। आप मेरे पीछे इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं कि आग की लपटें किस तरीके से यहाँ पर फैल गई हैं। उनको लगातार हम लोग बोलने के बाहर निकले और ताकि यहाँ से अधिकतर जगह को हम लोग को खाली कराने के लिए। तत्काल का तारा लगा दे है ना, वो बाहर निकले हैं। सब सामान अंदर मारे भी हम सामान लेके नहीं आए हैं, ये चाबी बस धर के आए हैं। मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से ये आग शुरू हुई है। ये आगे के तांडव रायपुर के गुड़ियारी के सीएसपीडीसीएल ट्रांसफार्मर गोदाम के है, जो शुक्रवार के मझनिया 12 बजे ले रतिहा तक राजधानी के लोगन मन के जान के खतरा बन के धधकत रहीस। ये आगे के तांडव 1.5 किलोमीटर तक फैले रहीस, जेकर खतरा ला देखत प्रशासन हा 3 किलोमीटर तक के इलाका ला खाली करा दिस। पूरा सामान बिखर के आग लगी, कोई चीज नहीं है, बाहर नहीं निकाल पाए, कुछ कुछ लिखा है, बाकी पूरा सामान है। समझाते टोकरा बड़े बेटा हाथ में चला बर जाते पैसा थोड़ा छोड़ के। ट्रांसफार्मर गोदाम में लगी आगी अतका भी सड़ रही कि काला धुआं हां कई किलोमीटर तक दिखाई दे रही, जेमा आगी ल बुझाए बर दमकल के गाड़ी के संग फायर फोम के उपयोग घलो करे गई। आगजनी की घटना में शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी के संग मुख्यमंत्री सचिवालय के घलो नजर बनी रही। मझनिया करीब 12 बजे एक ट्रांसफार्मर में आगी लगी थी, जेमा 25,000 लीटर आयल टैंक फटी, फिर शॉर्ट सर्किट आगी लगे के कारण बनी, जेमा आगी ल बुझाए बर लाखों लीटर पानी के उपयोग करे गई। उहे संझा 5:30 बजे फायर फोम के उपयोग घलो करे गई, संग मां कई घंटा भर इलाका के बिजली ला घलो काटे गई और कड़ी मशक्कत के बाद आगी में काबू पाए गई। आगजनी की घटना मां 6,000 ले ज्यादा ट्रांसफार्मर के संग जेसीबी मशीन के कई गाड़ी घलो जल के खाक हो गई। गर्मी मां आगजनी की घटना नवा नहीं है, फिर विभाग मन भर ये घटना एक अलर्ट जरूर है कि बेरा बेरा मां जुन्ना उपकरण मन के मेंटेनेंस कराए जाए। और दूसर है अगजनी के घटना ला देखत रात मा प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय घलो मौका मा पहुंचे और अधिकारी मन ले जानकारी लीन। ए बेरा मीडिया ले गोट बात करत मुख्यमंत्री कहिन आगी लगे के कारण के जांच करे जाही, भगवान के कृपा ले कोनो जान हानि नहीं हो है, आयल के टैंकर ला खोल देगी जेकर ले ब्लास्ट नहीं हो, जौन लोगन के आर्थिक क्षति हो के ओकर आकलन करके मुआवजा दे जाही। बता दें अगजनी के घटना ला देखत हुए प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय घलो मौका में पहुंचे नव अधिकारी मन ले जानकारी लीन। ए बेरा मीडिया ले गोठ बात करत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहीन आगी लगे के कारण के जांच करे जाही, भगवान के कृपा ले कोनो जान हानि नहीं हो है, आयल के टैंकर ला खोल देगी जेकर ले ब्लास्ट नहीं हुई, जौन लोगन के आर्थिक क्षति हो ले ओकर आकलन करके मुआवजा दे जाही। काली मंझनिया 12 बजे आग लगी, जेकर बाद 2 बजे दमकल विभाग के गाड़ी मन पहुंची और आग में काबू पाए के सरलग जो है प्रयास करत रही से, लेकिन संझा 5 बजे तक आग में कोई काबू नहीं पाए गई से, लेकिन धीरे धीरे जो है आग में काबू पाएगी। रात में आग हल्का हो गई, जेकर बाद प्रदेश के मुखिया घलो जो है अगजनी के घटना ला देखत हुए रात में ही जो है वहां मौका में पहुंचे, अधिकारी मन ले जानकारी लीन और मीडिया ले गोट बात करत हुए कहीन कि आगी लगे के कारण जो है ओकर जांच करे जाही, भगवान के कृपा रहीस कि कोनो जान हानि नहीं हो है, आयल के टैंकर ले ला खोल दे गए रहीस जेकर बाद ए ब्लास्ट नहीं हुईस, जौन लोगन के आर्थिक क्षति हो है ओकर आकलन करके मुआवजा दे के बात घलो करे है।
बता दन काली अगजनी के घटना बहुत बड़े घटना राजधानी रायपुर में घटी। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होए ले जो है घटना घटे है। रात में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय घलो मौका में पहुंचे रहे। सरलग दमकल विभाग की टीम जो है घलो आग ला बुझाए के प्रयास करत रहीस, फिर आग में जो है काबू नहीं पाए जात रही से।